नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यावर्त रीजनरेटर में। मित्रों, अक्सर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तो छल किया है, और ये लोग टीवी सीरियल्स देख करके भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या दोष को मान लेते हैं। आइए मित्रों, आज इसी प्रसंग की समीक्षा कर देते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, टीवी सीरियल्स के महाझूठ को सुनिए। वासुदेव कृष्ण, आपके सुदर्शन चक्र ने सूर्य को क्यों ढक रखा है? सूर्य अस्त नहीं करवा सकता, किंतु सूर्य अस्त होने का वातावरण तो निर्मित कर ही सकता हूं मामा श्री। मित्रों, आज भारत में अनेकानेक लोग जयद्रथ के वध की कथा कुछ इसी प्रकार से मानते हैं। मित्रों, ये गीता प्रेस में आता है। ये द्रोण पर्व के जयद्रथ वध पर्व में अध्याय नंबर 146। यहाँ ये श्लोक स्क्रीन पर देखिए। मित्रों, इसे पढ़कर ही आज कई सारे लोग महाभारत के सच्चे इतिहास पर प्रश्न खड़ा करते हैं। वे ये सवाल करते हैं कि सुदर्शन चक्र से पूरा सूरज कैसे ढका जा सकता है? क्या ये काल्पनिक इतिहास नहीं है, या आपके भगवान श्री कृष्ण तो छलिया है, छल के द्वारा जयद्रथ को मरवाया है? यदि आपको भी इसमें संशय है तो थोड़ा धैर्य रखिए, आज हम इसका निवारण कर देंगे। मित्रों, बोरी के महाभारत में जयद्रथ वध पर्व में 121 अध्याय में यहाँ ये इतिहास लिखा है कि अर्जुन जी जयद्रथ को मारने के अपने प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए कौरव पक्ष के सेना को नष्ट करते हुए, समस्त व्यूहों को तोड़ते हुए, एक के बाद एक महारथियों को हरा कर जयद्रथ के पास पहुँच रहे होते हैं। अब इन श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो जयद्रथ जी उनके समक्ष होते हैं। यहाँ अर्जुन का जयद्रथ से सीधा युद्ध होता है। अर्जुन जी चूंकि अनेकानेक महारथियों को हरा कर पूरी सेना को विजय करके जब जयद्रथ के पास पहुंच जाते हैं तो जयद्रथ के एक एक बाणों का प्रत्युत्तर देते हैं। कभी उसकी ध्वजा तोड़ते हैं और कभी भिन्न भिन्न बाण का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद में वे उसके सारथी को मार देते हैं, फिर उसके घोड़े पर बाण चलाते हैं, फिर कभी ध्वजा पर मार रहे हैं। इसी संदर्भ के अंदर ये वाला श्लोक एकदम महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़िए। 15वें श्लोक के अंदर श्री कृष्ण जी ये देखते हैं कि ये तो टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा व्यर्थ समय कर रहे हैं, तो वे अर्जुन से कुछ कहते हैं। उसी समय श्री कृष्ण जी सूर्य को शीघ्रता के सहित अस्ताचल पर्वत पर गमन करते देख व्याकुल और उतावले होकर पांडु पुत्र अर्जुन से बोले, धनंजय शिरस छिंदी सैंधवस्य दुरात्मना। जयद्रथ जो है वो सिंधु देश का राजा है, इसलिए उसका नाम सैंधव भी है। यहाँ सैंधव नमक मत लेना, प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है। हे अर्जुन, तुम इसी समय पापी दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ के सिर को काट डालो, कारण सूर्य अब पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल पर जाना चाहते हैं। केवल इतना ही प्रमाणिक है, इसके आगे वाला जो लाइन है वो मिलावट है। इसके आगे एक कथा आती है जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध होने से अप्रमाणिक है, और तर्क से ही उस श्लोक को प्रक्षिप्त घोषित कर रहे हैं। इसके आगे के जितने भी श्लोक है वह चमत्कारिक होने से भी मिलावट है, और श्री कृष्ण जी समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे जो इतना बड़ा कथा जयद्रथ को सुनाए। इसके आगे का प्रसंग आगे जुड़ता है, मैं ये श्लोक दिखा रहा हूँ। कुछ सब भारों को सहन करने में समर्थ और सर्वदा चंदन और फूल माला से पूजित सिंधुराज जयद्रथ के वध के निमित्त उस बाण को शीघ्र ही छोड़ दिया। गांडी धनुष से छूटे हुए उस बाण ने वेगगामी बाज पक्षी की भांति वृक्ष पर के पक्षी के समान सिंधुराज जयद्रथ के सिर को उनके धड़ से काट दिया। फिर आगे की प्रसंग जुड़ती है 41वें श्लोक से संजय उवाच। तदनंतर सिंधुराज जयद्रथ को मारा गया देख तुम्हारे पुत्रों की आंखों से बहुत आंसू बहने लगे। फिर आगे पांडव पक्ष बाजी बजाने लगता है और उसके बाद में द्रोणाचार्य से युद्ध इत्यादि शुरू हो जाता है। अभी मित्रों, आपने जो टीवी सीरियल के अंदर जो ये क्लिप सुना, बोरी के महाभारत के अंदर सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढकने वाली कथा या छल भगवान श्री कृष्ण पूरे प्रसंग में नहीं करते हैं। ये तो कुछ क्षेत्रों के लोगों ने इस एक श्लोक जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए आप यहाँ वह बाण चलाकर समय व्यर्थ मत कीजिए, धनुर्वेद का कौशल अभी मत दिखाइए, सूर्य अभी अस्त होने वाला है, जल्द जयद्रथ का सर काटकर अपना प्रतिज्ञा पूर्ण करिए, इसके आगे श्लोक ऐड करके पूरी की पूरी मिथ्या काल्पनिक कथा जोड़ दी गई। ये गीता प्रेस में जो लिखा है कुछ लोग कहेंगे कि यही प्रमाणिक है। ये देखो, गीता प्रेस अपने भूमिका में ही लिखता है कि वो आज से 400 साल पहले के नीलकंठ टीका का सहारा लेकर अपना गीता प्रेस बनाया है, और वो श्लोकों के अंदर पाठों के अंदर प्रक्षेपण मानता है। गीता प्रेस के भक्तों को भी गीता प्रेस की ये बात अवश्य जाननी चाहिए। तो ये बात क्लियर रखिए, पूरे के पूरे जयद्रथ वध के प्रसंग में
भगवान श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया, सूर्य को ढक दिया और छल करके जयद्रथ को मारा है। इसमें अर्जुन के शौर्य की कमी आंकी गई है। ये वास्तविक महाभारत में कहीं पर भी ये प्रसंग नहीं है, ये एक महाझूठ था मित्रों। ये बोली कि महाभारत में ये प्रसंग आता ही नहीं है। नॉर्थन रिलेशंस में बंगाली और कुछ देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ऐसा आता है कि कृष्ण जी ने कोई योग उपयोग किया और ये दो मैन्युस्क्रिप्ट को छोड़ के पूरे नॉर्थन रिलेशंस में ये कहीं पर भी श्री कृष्ण द्वारा सूर्य को ढकने वाली पूरी प्रसंग आती नहीं है, कहीं नहीं मिला उन्हें। दक्षिण के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आया है कि कृष्ण जी ने कोई उपाय किया और तेलुगु और ग्रंथ स्क्रिप्ट के अंदर ये मिलावट आई है जहाँ ये मिलता है कि श्री कृष्ण ने सूर्य को सुदर्शन चक्र से ढक दिया। ये मिलावट मूल रूप से यहीं से हुई है, अन्य जगह पर इस प्रकार से वर्णन नहीं है। ओवरऑल रूप से बोरी के क्रिटिकल एडिटर्स ने मैक्सिमम मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पर ये नहीं मिलता है उसी के आधार पर ये प्रसंग को प्रक्षिप्त घोषित करके मूल एडिशन में लिया ही नहीं है। अब ये देखिए जो मैंने बीच में प्रसंगों को मिलावट कहा है, बोरी महाभारत के एडिटर्स ने भी ऐसे मिलते जुलते पाठ भेद सहित श्लोकों को मिलावट घोषित किया है। ये आप स्क्रीन पर देखिए, मैं नीलकंठ टीका युक्त गीता प्रेस वाला श्लोक भी दिखा रहा हूँ। अब जब इतने सारे श्लोकों को मिलावट घोषित कर ही दिया है तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ ही गए होंगे कि हमने उन प्रसंगों को मिलावट क्यों कहा था। बोरी के एडिशन में केवल ये त्रुटि है कि उसने जिन पाठों को मौलिक रूप से लिया है वो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द इत्यादि से विरुद्ध होने से और चमत्कारिक घटना होने से वो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ पूर्व काल की मिलावट थी। और चूंकि बोरी के एडिशन में भी इतने सारे श्लोक मिलते हैं तो वहाँ भी अंधभक्ति नहीं अनुसंधान की आवश्यकता है। तो ये है वास्तविक जयद्रथ के वध का प्रसंग। सभी के सभी टीवी सीरियल्स जो दिखा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें छल करके सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को ढक दिया था और जयद्रथ का वध करवाया था, ये बात मूल रूप से मैक्सिमम मैन्युस्क्रिप्ट में नदारद थी। तो चलते हैं मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।